हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू लेक्चर 9th ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। जो हमने टेंशन मेंबर किए, जो वो मेंबर जो बिल्डिंग के अंदर लोड लेते हैं, ठीक है, अपने आप पे खिंचाव डाल के, ओके। सो पुल एक्शन जो होता है फोर्सेस का, वो मेंबर्स जो इन पुल एक्शन को बियर करते हैं, ठीक है, वो सारे टेंशन मेंबर्स हैं। एंगल, चैनल, जो भी सेक्शन पुल के लिए यूज़ होते हैं, जैसे रूफ ट्रसेस के राफ्टर में, ठीक है, पर्लिन के अंदर, उसके बाद जो रूफ ट्रस के टाई मेंबर होता है, ठीक है, नीचे वाला टाई मेंबर, पर्लिंस, सो ये सारे टेंशन मेंबर होते हैं, ओके। सो हमने टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ के बारे में एक न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में किया, एक इस लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है, फर्दर जो अलग कंडीशन के साथ, एंड डिज स्टेप्स करेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर का, ओके। सो स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। एक ISA है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, 100 × 75 × 8। सो कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेंथ मीन्स हमें अब एंड पे स्ट्रेंथ ही निकालनी है। ISA 100 है, 75 है, थिकनेस कितनी है उसकी, 8 mm, ठीक है। लॉन्गर लेग जो है 100 है, शॉर्टर लेग 75 है, और थिकनेस उसकी कितनी है, 8 mm, ठीक है। इसको टाई मेंबर के लिए यूज़ किया गया है, मीन्स एक ट्रस के अंदर ये नीचे वाला टाई मेंबर है, टेंशन मेंबर, इस पे ये एंगल लगाया गया। उसकी लॉन्गर लेग जो है वो कनेक्टेड लेग है, ठीक है, गजट प्लेट के साथ, मीन्स गजट प्लेट के साथ जो उसकी लॉन्गर लेग है ये वाली, मीन्स ये इसकी विड्थ कितनी होगी, 100 mm, 100 mm वाली जो विड्थ है वो कनेक्टेड है, ठीक है, गजट प्लेट के साथ 16 mm डायमीटर की रिवेट के साथ, जो उसमें रिवेट लगी हुई है 16 mm डाया की। टेंसाइल स्ट्रेस प्रोवाइड करनी है 150 Nm/mm स्क्वायर। स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया नेट, उसको टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे, लोड आ जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक फॉर्मूला, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेस होती है वो लोड अपॉन एरिया होती है, एरिया को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो लोड आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट आ जाएगा, कितना लोड ले सकते हैं, ठीक है। तो गिवन डेटा ये है, ISA 100, 75, 8, सिग्मा 80 कितना है, 150, और सिग्मा डी कितना है, डाया ऑफ रिवर 16 mm डाया रिवर का दिया हुआ है। उसके बाद डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस करेंगे 16 के अंदर तो 17.5, ओके। फर्दर केस कौन सा है, सिंगल ISA कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। हमने 2 ISA भी कनेक्टेड किए हुए हैं बैक टू बैक का, मीन्स इसमें 3A1 / 3A1 + A2 वाला फार्मूला यूज़ होगा K का, ठीक है, और जो 2 angle वाला होता है उसमें 5A1 / 5A1 + A2 का, ठीक है, K = 5A1 / 5A1 + A2। इस केस के अंदर K = 3A1 + 3A1 + A2, मीन्स 3A1 / 3A1 + A2, ओके। सो ये आप फिगर देख सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, गजर प्लेट के साथ एक एंगल कनेक्टेड है, ठीक है, उसकी 100 mm वाली लेंथ कनेक्टेड है, 75 वाली जो है आउटस्टैंडिंग है, 8 mm उसकी थिकनेस है। हमेशा जब डायग्राम बनानी है तो एंगल को मार्क जरूर करना है कि ये वाला ISA 100 × 75 × 8 है, ओके। सो ये कनेक्टेड लेग है, रिवर्ट को दिखाया गया डायग्राम के अंदर, ओके। तो ए नेट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला नेट का A1 + A2K। अब A1 होता है लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग, तो लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग के लिए रिवर्ट की थिकनेस, हाफ थिकनेस जो कॉमन है वो माइनस करनी है, माइनस कितने होल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, × T, 100 लेंथ ऑफ लेग है, माइनस हाफ × 8, हाफ × थिकनेस, थिकनेस कितनी है एंगल की, 8 mm, हाफ़ × 8 माइनस किया, फिर 17.5 एक होल का डाया,
तो सिंगल होल का डाया माइनस किया। अगर दिया होगा कि थ्री रो है रिबट की तो उसमें थ्री लेंगे हम, ठीक है, थ्री रो दी होंगी तो। अब इसमें दी नहीं हुई, वन सिंगल यूज़ करेंगे तो 17.5 माइनस कर देंगे, फिर सारे को इनटू 8 थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आ जाएगा हमारे पास। A1 की वैल्यू आ जाएगी 6 to 8 mm². फिर आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए सिर्फ लेंथ ऑफ लेग 75 माइनस हाफ इंटू थिकनेस कॉमन, ठीक है 71, तो 71 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 6 8। ओके तो A1 आ गया, A2 आ गया, अब रह गया K। K के अंदर भी A1 फुट होगा A2, तो K निकालने के लिए 3 A1, A1 कितना 628, A2 कितना 568, ठीक है K आ जाएगा हमारे पास 0.768। ओके अब A नेट का फॉर्मूला होता है A1 + A2K। A1 कितना 628, A2 कितना 568, K कितना 0.768, मीन्स 568 को 0.768 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास ए नेट आ जाएगा, उसको A1 के अंदर जोड़ दोगे तो ए नेट 1064.22 mm² आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेम्बर कितना है, ए नेट इंटू स्ट्रेस σAt, तो 1064.22 × 150, तो इतना लोड ले लेगी पीक स्ट्रेंथ ऑफ मेम्बर आ जाएगी कितनी, 159,633 न्यूटन और 159.63 kN, ठीक है। ओके तो हमने जॉइंट की स्ट्रेंथ निकाल ली। नाउ इस केस के अंदर मान लो दो ISA हैं, ठीक है 125 × 75 × 8 mm थिकनेस के, वो बैक टू बैक हैं कनेक्टेड सेम साइड ऑफ गजर प्लेस। ओके एक गजर प्लेट के सेम साइड पे दो एंगल कनेक्टेड है बैक टू बैक, ये टी सेक्शन बना रहे हैं ना, तो ये मीन्स ये टी सेक्शन के काम भी आता है, तो इनमें एक टैकिंग रिवेट लगी हुई है इनको आपस में जोड़ने के लिए। ओके सो टू ISA वाला केस के अंदर K कितना हो जाएगा, 5A1 / 5A1 + A2। A1 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेग 125 है इसके अंदर, इस केस के अंदर माइनस हाफ इंटू थिकनेस इंटू 1 − 23.5, क्योंकि रिवेट 22 की है तो 22 में 1.5 mm जोड़ देंगे तो 23.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 121 में से 23.5 गए, इंटू 8 करेंगे तो 1560। ग्रोस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ग्रोस एरिया कितना आ जाएगा उसका, लेंथ ऑफ लेग 75 है आउटस्टैंडिंग बाहर वाली, उसमें से हाफ थिकनेस, ठीक है माइनस करके 75 में से 71, दो एंगल है ना तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है इस केस में भी दो से मल्टीप्लाई करना है, दो एंगल है तो 5 means 5A1 / 5A1 + A2 वाले केस में दो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो जो K की वैल्यू हम 5A1 / 5A1 + A2 निकाल रहे हैं वो दो वाले केस में है, तो दो से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, अगर एंगल दो लगे हुए हैं तो दो से सारे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है। सो 11136 mm² आ जाएगा। फिर K का फॉर्मूला लगाना है, उसी हिसाब से A1 की वैल्यू पुट करनी है, फिर A2 की, तो 0.873 आ गया K। फिर A नेट निकालने के लिए A1 + A2 K। ओके फिर 150 से मल्टीप्लाई ए नेट को, तो एंगल की स्ट्रेंथ आ जाएगी 337759.5 न्यूटन और 1000 से डिवाइड करके 337.76 kN। ओके आप देख सकते हैं गदर प्लेट के साथ ये एंगल किस कैसे जुड़े हुए हैं, कितने सारे एंगल्स। ओके ये गदर प्लेट है पीछे, इसके साथ एंगल लगे हुए हैं, ठीक है तीन, आप देख सकते हैं इस प्रकार से फ्रंट एलिवेशन आती है इनकी डिज़ाइन, तो ये प्लेट साइड है, ठीक है ये गजर प्लेट के साथ एंगल्स। ओके तो फ्रंट से अगर हम एंगल को देखेंगे इसको तो ये ऐसे इस प्रकार से दिखेगा, इस वाले को देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा फ्रंट से, और इस वाले को देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। सो अब आ गया नेक्स्ट फर्दर डिज़ाइन स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। ओके डिज़ाइन स्टेप्स क्या हैं टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के लिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड नेट एरिया, द एक्चुअल पुल टू बी ट्रांसमिटेड बाय नंबर एंड द अलाउबल स्ट्रेस इन द टेंशन, मीन्स पुल को सहने के लिए जो डिज़ाइन नेट सेक्शनल एरिया चाहिए हमें, एरिया क्या होता है
स्ट्रेस क्या होती है, लोड अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा लोड अपॉन स्ट्रेस, सो एक्चुअल लोड अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, ओके सिग्मा ए टी, सिंपल स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो एरिया इधर आ जाएगा, स्ट्रेस नीचे चला जाएगा, तो लोड अपॉन स्ट्रेस सिंपल, तो एरिया इज एक्चुअल लोड अपॉन स्ट्रेस। अब एरिया निकालना हमें, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कितना मैम कितना साइज लेना है मेंबर का उस एरिया कवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेक्शन, फिर उस एरिया के हिसाब से हमें जितना लोड लेने लेगा वो एरिया, उसके हिसाब से हमें दिया गया सूटेबल सेक्शन, ओके। हम सूटेबल सेक्शन अपना जो स्टील टेबल है अब हमारे काम में आएगा, स्टील टेबल, ठीक है। दो चीज़ें आप पेपर में एग्जाम में अलाउड होती हैं, एक तो IS 800 कोड और एक स्टील टेबल, ओके। IS 800 कोड निकालने का तरीका, गूगल पे सर्च करोगे IS 800 लिख के इस प्रकार से, तो IS 800 इज टू 2007, आप इसकी PDF फाइल, PDF लिखोगे साथ में तो PDF फाइल आ जाएगी, उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, दोनों साइड प्रिंट निकालें, पेज के बाइंड करें और लेके आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बना बनाया कोड भी आपको जो क्या कहते हैं बुक शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाएगा IS 800 कोड, ठीक है। सो सेक्शन ऑफ सूटेबल सेक्शन लेने के लिए एरिया के हिसाब से हम टेबल देखेंगे अपना, ग्रोथ सेक्शन एरिया ऑफ मेंबर फ्रॉम स्टील टेबल, उसका ग्रोथ सेक्शन भी देख लेंगे कितना होगा उस मेंबर का, मोस्टली ज़्यादा ही होना चाहिए जो हमारा सेक्शन एरिया उससे, ताकि लोड ज़्यादा ले सके। फिर कैलकुलेट द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेक्टेड सेक्शन, अब नेट सेक्शनल एरिया निकालेंगे हमारे सेक्शन का, मीन्स उसमें से होल निकाल के, ठीक है। वन रिवेट होल फ्रॉम ईच एंगल, फिर फ्लैट प्लेट के लिए वन रिवेट होल फॉर 15 सेंटीमीटर वेट तो मेम्बर, ओके। चेक फॉर नेट सेक्शनल एरिया, चेक करेंगे दी नेट एरिया शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन रिक्वायर्ड नेट एरिया, इफ इज सो देन ओके, अदरवाइज ज़्यादा एरिया वाला सेक्शन ट्राई करो, ठीक है। फिर चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, अब जो मेंबर्स बने बनाए आते हैं उनकी स्लेंडरनेस रेशियो चेक होती है, स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है, एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम, तो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसको स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं, ठीक है। सो स्लेंडरनेस रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव लेंथ निकाल के, और जो आर मिनिमम की वैल्यू स्टील टेबल के अंदर दी होती है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड व्हेन रिवर्सल ऑफ लोड में ऑकर, इफ टेंशन मेंबर इज नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई मेंबर, अगर टेंशन मेंबर को टाई मेंबर के तौर पे सिलेक्ट किया गया है बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल स्ट्रेसेस ड्यू रिवर्सल ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स, मीन्स मान लो लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है पर विंड आने की वजह से तेज या अर्थ आने की वजह से लोड इस डायरेक्शन में लग जाता है, रिवर्सल ऑफ लोड आ जाता है, तो मेंबर शुड हैव सिलेंडरनेस रेशियो नॉट ग्रेटर देन 180, ठीक है। 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, लंबा, ठीक है, पतला और लंबा, उसको कहते हैं सिलेंडर। तो ज़्यादा पतला एंड लंबा सेक्शन होगा तो सेक्शन बेंड होकर टूट जाएगा, ठीक है। तो इतने इस केस के हिसाब से जब विंड्स तेज हैं तो 180 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेंबरली नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाइट्रस और ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल स्ट्रेस रिवर्सल, सब्जेक्ट किया जाता है, ठीक है। रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक शैल हैव स्लेंडरनेस रेशियो, नॉट मोर देन 350, ओके। विंड और अर्थक्वेक के लोड के लिए 350, अगर विंड और अर्थक्वेक का लोड नहीं है तो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। मीन्स सिलेंडरनेस रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180 अगर कोई ओवर लोड का केस है, एंड सिलेंडरनेस रेशियो शुड बी नॉट ग्रेटर देन 350 अगर विंड और अर्थक्वेक का लोड है, ओके। यहाँ पे अदर देन विंड और सिस्मिक, यहाँ पे विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस। तो डिज़ाइन ऑफ एंड कनेक्शन, एंड कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे तो फॉर रिवेटेड कनेक्शन के लिए सिलेक्ट सूटेबल साइज ऑफ रिवेट, रिवेट एक सिलेक्ट करेंगे जैसे 18 mm 22 mm कुछ भी, उसकी स्ट्रेंथ निकाल के देखेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो सूटेबल साइज निकाल के रिवेट वैल्यू निकालेंगे उसकी, फिर नंबर ऑफ रिवेट कैसे निकालेंगे, लोड तो हमें पता होगा डिज़ाइन का,
और उसके साथ रिवर्ट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, अपनी जो नंबर आ जाएगा कितनी रिवर्ट चाहिए। अरेंजमेंट ऐसे लगानी है, रिवर्ट्स मीन्स कैसे किस प्रकार से प्लेट के ऊपर रिवर्ट लगानी है। तो देर इज़ नो सेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग, मीन्स लोडिंग सेंट्रिक हो ना कि सेंट्रिक हो। ओके, मीन्स लोडिंग बिल्कुल सेंटर में लग रही है अलोंग द एक्सिस ऑफ सेक्शन, ना कि इधर। ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिवर्ट, मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये सेक्शन की है एंगल की तो यहीं पर रिवर्ट हो, मीन्स रिवर्ट का भी सेंटर यहीं से पास करे, इस प्रकार से होनी चाहिए। आपने इस प्रकार से लेंथ ले गई, ओके वहीं पर रिवर्ट्स लगानी है। तो आईएएस कोड के हिसाब से लेंथ लेग साइज अगर है 200 mm, तो डबल रो ऑफ रिवर्ट में 75 mm और 75 mm, हम 85 पिच देंगे। सिंगल रो के हिसाब से 115 mm मैक्सिमम रिवर्ट साइज़ फॉर डबल रो, 27 mm मैक्सिमम रिवर्ट साइज, मीन्स रिवर्ट का डाया कितना होना चाहिए मैक्सिमम। ओके, उसी हिसाब से मेंबर के लेग के हिसाब से रिवर्ट का डाया फिक्स किया गया। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन अ सूटेबल फ्लैट, फ्लैट डिज़ाइन करना है, मीन्स हमने एक फ्लैट प्लेट डिज़ाइन करनी है, उसकी विड्थ और लेंथ पता होनी चाहिए हमें। ओके, इन रूफ ट्रस द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 180 kN। ओके, यूज 20 mm डायामीटर PDSR पावर ड्रिवन शॉप रिवर्ट, हमने किया था ना रिवर्ट वाले चैप्टर के अंदर, पावर ड्रिवन शॉप रिवर्ट कौन सी होती है और पावर ड्रिवन फील्ड रिवर्ट कौन सी होती है। ठीक है, मीन्स उसको जो फील्ड पे किया जाता है, हम ड्राइव किसी भी सेक्शन के अंदर मेंबर के अंदर जब ड्राइव करते हैं रिवर्ट को लगाते हैं तो पावर ड्रिवन मीन्स पावर के साथ किसी मशीन के साथ लगाते हैं। शॉप के अंदर और फील्ड के अंदर उनकी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेस अलग अलग होती है, बेयरिंग कैपेसिटी भी अलग होती है रिवर्ट की। ओके, मीन्स फील्ड के अंदर कुछ भी वो बेयरिंग कैपेसिटी फील्ड के अंदर का कम होती है, शॉप पे ज़्यादा होती है। ओके, लोड कितना है हमें दिया गया कि 180 kN है। ओके, 20 mm डायामीटर हमने यूज़ करनी है, अगर रिवर्ट का डाया पता लग गया, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस भी दी गई है 150 σT। सो रिवर्ट का डाया 21.5 विद होल 1.5 mm। ठीक है, यहाँ पे 2 कब लेते हैं 1.5 की जगह, यहाँ पे 2 तब लेते हैं जब ग्रेटर देन 25 mm हो रिवर्ट का डाया। ओके, सो नेक्स्ट σ80 इज इक्वल 150 फॉर पावर ड्रिवन शॉप रिवर्ट। हमें पता है शॉप रिवर्ट के लिए कि टाओ VF की वैल्यू 100 होती है कॉर्ड के अंदर गिवन है, एंड σPF की वैल्यू 300 होती है। ओके, ये भी हमें मिल गई। फिर नेट सेक्शनल एरिया कितना लगेगा किसी मेंबर का, तो लोड अपॉन σ80 इस एक बार डिज़ाइन देखिए सूटेबल फ्लैट का। सो फिर से लोड 180 kN है, ठीक है, हमने 180 kN लेना है। नॉर्मल नॉमिनल डाया ऑफ रिवर 20 mm है, ग्रोस डाया कितना आ जाएगा, होल का डाया 1.5 ऐड करके 21.5 टोटल होल का डाया आ गया। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस σIT 150 Nm/mm² है। पावर ड्रिवन शॉप रिवर्ट PDSR के लिए हमें पता है, गिवन डेटा है स्टील टेबल के अंदर, सॉरी IS कोड 802-200-2007 के अंदर गिवन है कि टाओ VF PDSR के लिए 100 एंड σPF 300। ये टेबल आपको दिखाया भी गया था प्रीवियस 2 लेक्चर पहले। तो नेट सेक्शनल जब हमने रिवर्ट वाला चैप्टर किया था उसके अंदर है, ठीक है, नेट सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लोड अपॉन स्ट्रेस होती है ना एरिया, तो 180 × 10/3/150। लोड कितना है हमारा 180 kN गिवन है, तो इसको न्यूटन में किया तो 10/3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 kN के अंदर 1000 N होते हैं, अपॉन 150, सो 1200 mm² आ गया। फ्लैट ट्राई करना है इतने का, नेट सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा 1 रिवर्ट होल के साथ। अब हमने 12 mm ज़ूम कैसे की, फिर से चेक करो, 1200 mm है, 12 mm थिकनेस ज़ूम कर लेंगे, 100 mm के आसपास हमारी विड्थ आ जाएगी। विड्थ इंटू बी इंटू टी ही सेक्शन होता है हमारा, तो बी माइनस एन डी इंटू टी नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एन डी मीन्स पूरी की पूरी बी में से कितने होल निकालने हैं, एन डी इंटू थिकनेस एरिया आ जाएगा। तो बी माइनस 1 × 25.1 एक होल का डाया है, वो निकाल देंगे इसमें से, माइनस कर देंगे बी में से, ठीक है, पूरी प्लेट में से इतना एरिया माइनस कर देंगे होल का, तो × 12 थिकनेस एरिया आ जाएगा नेट सेक्शन। इक्वेट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बी माइनस एन इंटू टी को एरिया के बराबर 1200 के बराबर रखेंगे तो बी आ जाएगा 121.5, बट हम 125 mm का सेक्शन लेंगे। ओके,
सो हैंस द साइज ऑफ लैटिस 125 x 12 mm। डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन, डिज़ाइन करने के लिए रिवेटेड कनेक्शन हमने पहले भी किया है। टॉप वी एफ इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 लेंगे, ओके। अपो 100 × π × 21.5 बाई 4, ठीक है, तो 36305 न्यूटन आ गई। उसकी शेयरिंग वैल्यू, बेयरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी रिवर्ट की, सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। सिग्मा पी एफ की वैल्यू 300 कोऑर्ड में गिवन है, डी इंटू डी की वैल्यू 21.5, टी की 12, तो 77400 न्यूटन आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट रिवर्ट वैल्यू कम वाली होती है ना बेयरिंग और शेयरिंग में से, तो कम वाली 36305 आ जाएगी रिवर्ट वैल्यू, ओके। तो नंबर ऑफ रिवर्ट रिक्वायर्ड कितने होते हैं, टोटल लोड अपॉन रिवर्ट वैल्यू किया हुआ है पहले, तो लोड कितना 180 kN × 10³ अपॉन रिवर्ट वैल्यू 36305 न्यूटन। सो कितने आ गए, 4.9 रिवर्ट्स आ गए, मीन्स 4.9 तो हो नहीं सकते, हमें तो ओवरऑल लेने हैं, ठीक है, तो 5 रिवर्ट्स हमने ले लिए, ठीक है। सो चेक फॉर स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ चेक करनी है फ्लैट की। पिच हमने ज्यूम किया है 3 × d, तो 3 × 20, एक रफ डायग्राम बना लेनी है पिच इतनी है फ्लैट का सेक्शन, और हम क्रिटिकल सेक्शन, अब 5 रिवर्ट लगानी है, तो 5 रिवर्ट इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। जिग जैग रिवेटिंग मजबूत होती है तो दी है। अब हमने नेट एरिया जो हमने किया था सेक्शन का कैसे निकालते हैं रिवर्ट, रिवर्ट वाले के अंदर, तो नेट एरिया फर्स्ट तो हम चेन रिवर्टिंग के लॉन्ग लगाने, 1 2 3, फिर 4 5 2 6 7 के लॉन्ग। अब चेन रिवर्टिंग के अंदर बी माइनस एन डी इंटू टी लगाएंगे एरिया निकालने के लिए, तो बी तो 125 है हमारे सेक्शन का, ठीक है, माइनस वन एक होल को मानेंगे उसके अंदर, एक होल आ रहा है ना रास्ते के अंदर 1 2 3 के, तो 21.5 से मल्टीप्लाई करके सारे को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1242 mm² आ जाएगा नेट एरिया अलॉन्ग सेक्शन 1 2 3 के लॉन्ग, तो एक होल आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो नेट एरिया अलॉन्ग सेक्शन 4 5 2 6 7, इसके अंदर कितने होल आ रहे हैं, 4 5 6 2 7, 5 वाला 2 वाला 6 वाला, ओके, 3 आ रहे हैं, बट एक स्टैगर्ड के लॉन्ग कितने आ रहे हैं, 2, अगर इसके अलॉन्ग माने तो 1 और 2 इस लाइन के लॉन्ग, स्टैगर्ड पिच के लॉन्ग, ठीक है। तो बी माइनस एन डी 125 - 3 होल आ रहे हैं, तो 21.5, फिर उसमें से ऐड कर देंगे एन डैश स्क्वायर बाई 4g, मीन एन डैश कितना गेज वाले का स्टैगर्ड नंबर ऑफ रिवर्ट लॉन्ग फुल गेज डिस्टेंस, एन डैश 2 होल हैं, ठीक है, फुल गेज में अपॉन 60 स्टैगर्ड गेज के अंदर 2 होल्स हैं, 60 पिच का स्क्वायर अपॉन 4g गेज कितना है, 30 स्टैगर्ड गेज, ठीक है, फुल गेज 60 पिच 60 लिया है, इसके बराबर गेज है, स्टैगर्ड गेज कितना है हमने 30 माना है, 30 से मल्टीप्लाई करके, ओके, 12 से ओवरऑल को मल्टीप्लाई करके ए नेट आ गया 1446। इन दोनों में से ये वाला कम है, तो कम वाला उठाएंगे ताकि स्ट्रेंथ हमें सेक्शन पैसे कम लगे और स्ट्रेंथ ज़्यादा ले, मतलब हमारी स्ट्रेंथ पूरी हो जाए, तो ए नेट 1242 उठाया हमने, निकाला कितना था, 1200 होना चाहिए, 1242 उससे ज़्यादा है, तो ओके है। अब फाइनल न्यूमेरिकल पुट करेंगे, डिज़ाइन ऑफ डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है, ए नेट इंटू सिग्मा ए टी, सिग्मा ए टी को ए नेट से 1242 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सेक्शन लोड कितना ले रहा है, 186300, ओके, 186300, 1242 × 150 करके, पर हमें लेना कितना लोड, इस सेक्शन ने न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है कि इसने तो 180 लोड लेना है, ओके, तो 180 कम होता है 186 से, हमारा सेक्शन ओके है, ओके, नहीं तो हम तो ज़्यादा एरिया वाला सेक्शन लेके ज़्यादा बड़ा 125 की जगह 130 वाला लेते सेक्शन, तो हम उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करते, रिवर्ट भी ज़्यादा लगानी पड़ती, यहाँ रिवर्ट मजबूत होते, ठीक है, ज़्यादा डाया वाली, तो हैंस द फ्लैट इज सेफ, द डिज़ाइन सेक्शन फॉर फ्लैट इतना है, पिच भी निकाल लेनी है, एज डिस्टेंस भी निकाल लेना है, उसको इस क्लीन नीट एंड क्लीन डायग्राम में शो कर देना है, एज डिस्टेंस ही इस एज से 40 mm, फिर पिच, ओके, फिर गेज के बराबर पिच ली है, जूम की है, हाफ गेज 30 mm, स्टैगर्ड गेज 125 इसकी विड्थ है सेक्शन की, थिकनेस इसकी दी हुई है, इसके अंदर फ्लैट ऐसे लिखना है अपने फ्लैट, अगर एंगल है तो एंगल, आईएससी चैनल है तो चैनल, तो गजर प्लेट के ऊपर फिक्स करके इस प्रकार से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है, ठीक है। सो थैंक यू, आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोबारा दोबारा सुन सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे लेक्चर।